वीडियो वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। मतलब यहाँ पर मिन जे मिन को मनाने की कोशिश करती है कि यार प्लीज़ उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो मिन बताती है ठीक है, अगर मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी ली तो वो मेरी सारी फ़ोटोज़ देख लेंगी एंड इसके बाद दूध का दूध एंड पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर मेन मिंजे को बताती है कि देखो मुझे नहीं लगता एंड तुम्हें भी शायद कहीं पता होगा बट तुम कहीं पर भूल कर रही हो। आई थिंक ये थोड़े दिन का ऑब्सेशन है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एंड देखना, यहाँ पर मिंजे कहती है कि ये पहली टाइम है जब मुझे फ्रेंड्स मिले हैं, मैंने लड़कों के साथ घूमा है एंड सबसे बातें की हैं। मैं हमेशा अपने पुराने स्कूल में बहुत इनविजिबल रही हूँ एंड अब मैं सबके सामने आना चाहती हूँ। इसके बाद मैन उसकी इतनी जिद देख कर फाइनली मानी जाती है। आफ्टर दैट हम हाय जून और जून को देखते हैं। इस पर इन दोनों में बात होती है। यहाँ पर हायजुन कहता है कि तुम सच में मिंजे को पसंद करते हो। तभी जून कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तभी हायजुन कहता है कि नहीं मुझे लगता है सच में नहीं करते। तभी वो कहता है कि नहीं भाई मेरा पीछा छोड़। इतने में ही यहाँ पर जीवन आ जाती है। उन दोनों को बताती है कि हम आज मिंजे के लिए एक पार्टी रखने वाले हैं। दरअसल वो हमारे ग्रुप में अभी भी इंटर हुई है तो उसके लिए ग्रैंड पार्टी तो होनी चाहिए। आज हम सभी वहीं पर जा रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ पर जून को पकड़ कर भी खड़ी थी बट जून उससे हाथ निकालता है और कहता है कि मैं नहीं आने वाला, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी हायजुन कहता है कि वहाँ पर मिंजे भी होगी। तभी जून कहता है कि मैं सही में नहीं आ रहा। तभी जीवन कहती है कि इट्स ओके तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं। आप बताए हम मिंजे को देखते हैं जो कि पत्तियों को तोड़ तोड़ कर डिसाइड कर रही थी कि मुझे बता देना चाहिए नहीं बता देना चाहिए। लास्ट में एक पत्ती बचती है और वो इसलिए कि तुम्हें बता देना चाहिए बट वो सोचती है कि ठीक है मैं पार्टी के बाद पक्का बता दूंगी सबको। इसके बाद उसे मैसेज आता है कि आज पार्टी होने वाली है। इसके बाद मिंजे का भी खुश जाती है कि वो पहली बार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बाहर इतनी अच्छी जगह पर घूमने के लिए जा रही है। यहाँ पर हायजुन फिर से जून को बताता है कि मिंजे मान गई है उसकी पार्टी आज ही होने वाली है। जून थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो फिर उसको पलट कर देखता है। जवाब तो नहीं देता बट मिंजे के नाम पे पलटा तो है। यहाँ पर जून कहता है कि एक मिनट, मैंने मिंजे का नाम लिया तो तुमने पलट कर देखा, मतलब कोई बात तो है। यहाँ पर मिंजे तो है भी नहीं बट तुम्हारे ख्याल में तो घूम रही है। तब यहाँ पर जून कहता है कि भाई यार मेरा पीछा तो छोड़ दे। इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। सभी बहुत सारी बातें कर रहे थे तो यहाँ पर जून मिंजे से गाने के लिए बोलता है। तो मिंजे कहती है कि मैं क्या गाऊँ, मुझे तो कुछ गाना ही नहीं आता। वो अपने आप से बातें करने लगती है कि मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन से बॉय बैंड हैं कोरिया में। वैसे ये सब तो हमें भी पता है मोस्टली। और कहती है कि मुझे तो यहाँ पर केपॉप आइडल के नाम तक याद नहीं है, मैं कौन सा गाना गाऊँ। यहाँ पर जून उससे कहता है कि आई थिंक तुम सिंग कर सकती हो। उसके बाद मिंजे को सभी के फोर्स करने पर गाना गाना पड़ता है। आफ्टर दैट जब वो गाना गाती है तो सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है बिकॉज वो बहुत ही अच्छी सिंगर थी, वो बहुत ही अच्छे से गाना गाती है। सभी लोग उसे मुँह फाड़ कर देखते रहते हैं। उसका गाना जब खत्म होता है तो सभी उसके लिए खूब सारी तालियां बजाते हैं। मिंजे कहती है कि मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं एक कॉन्सर्ट में खड़ी हूँ, सभी मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। वाह वाह। सभी जून से कहते हैं कि प्लीज़ तुम गा दो। अब जून कहता है कि वो दूसरों के सामने गाना नहीं गाता या इस पर जीवन का मुंह बंद हो जाता है बिकॉज वो तो सभी को अपना इतना अच्छा फ्रेंड बोलती है, अपने ग्रुप को सबसे ऊपर रखती है। बट यहाँ पर जून के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। जे यहाँ से बाहर चली जाती है वॉशरूम के लिए। इसके बाद जून भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। इसको देखकर जीवन को थोड़ा अजीब लगता है। आई थिंक ये हमारे जून को बहुत पसंद करती है। जे सामने से आ रही थी तभी वो जून को अवॉइड करने की कोशिश करती है बट जून उसे ड्रिंक ऑफर करता है। मिंजे उसे एक्सेप्ट कर लेती है और जून उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा गाया, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी मिंजे कहती है कि सच में थैंक यू। यहाँ पर जून कहता है कि हाँ तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बाद मिंजे कहती है कि हाँ पहली बार है जब मैं किसी क्लोज फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई हूँ। बट इतने में ही वो रुक जाती है। यहाँ पर जून कहता है कि हम अभी क्लोज फ्रेंड नहीं है, ये बात तुम समझ लो। इसके बाद वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आफ्टर दैट जब ये सभी बैठे होते हैं, जीवन एंड हाय जून यहाँ पर सिंग कर रहे थे। तभी मिंजे जून से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, बस ऐसे ही मुझ लिया। तभी जून उसे कान में बता देता है कि उसका फेवरेट सॉन्ग कौन है, बस ये आज तक उसने ऐसे बात किसी से भी नहीं की थी। ये बात जीवन काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी बट वो कुछ कहती नहीं है। बाद जीवन के साथ उसकी दोनों फ्रेंड वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि एक बात, एक मिनट, मिंजे ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। तो मिंजे को लगता है कि ओ तेरी अब भांडा फूट ही गया। इसके बाद वो दिखाते हैं कि उसमें एक भी पोस्ट नहीं होती है। दरअसल मिंजे ने सारी पोस्ट डिलीट कर उन सभी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी बिकॉज मिंजे ने उससे बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ किया था कि यार प्लीज़ कर लेना।
आफ्टर दैट हाईजून और जून वहाँ टेरिस पे खड़े होते हैं, तभी हाईजून मिंजे के बारे में बात करता है कि वो कितनी ज़्यादा फ़नी है, उसका सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। तभी जून कहता है कि तुम काफ़ी बातें करने लगे उसके बारे में। तभी हाईजून कहता है कि एक मिनट, तुम्हें जेलिसी हो रही है, मतलब तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तभी जून कहता है कि चलो यार, मुझे क्या परेशानी होगी, लेते रहो, आई डोंट केयर। लेकिन केयर तो उससे थी, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर हाईजून उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाता है एंड उसके बाद में थोड़े से फ्लैशबैक दिखते हैं, बट फ्लैशबैक क्लियर नहीं थे। इसके बाद जून बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये सब बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है इन बातों से, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिंजे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो मिन से बात करती है, उसे टेरिस पर अगले दिन बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर मिन कहती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मन करता है इसका गला दबा दूँ, मैंने इससे बात क्या कर ली, तो अब पीछे ही पड़ गई। मिंजे और जून म्यूजिक क्लास में बैठे होते हैं, मिंजे हमारी जून को देखी जा रही थी, तभी जून से एक नज़र देख कर डर जाता है और कहता है कि ऐसे मत देखा करो, मैं डर जाता हूँ। वो अपने कान से एक एयरपॉड निकाल कर अपने मोबाइल पर रख देता है एंड मिंजे की तरफ खिसका देता है। तभी मिंजे पल के लिए तो शॉक होती है कि सच में ये मेरे साथ शेयर कर रहा है। इसके बाद मिंजे डरते हुए उसे अपने कान में एडजस्ट कर लेती है, दोनों गाने सुनने लगते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं है। आफ्टर दैट हम जीवन को देखते हैं जो कि क्लास में सेल्फी ले रही थी, बट उसकी सेल्फी के बीच में मिन आ जाती है। इसके बाद वो मिन के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी डेस्क थोड़ी आगे कर लोगी। यहाँ पर मिन अपनी डेस्क आगे कर लेती है और वो मन में सोच रही थी कि बेटा ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, बट इट्स ओके, मेरा टाइम भी आएगा, उसका टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद वो सभी फोटो खींचने लगती हैं, इतने में ही मिन वहाँ से निकलती है, जीवन के पैर पे अपना पैर रख कर उसे अच्छे से दबा देती है और बहुत भोलेपन से कहती है कि ओ आई एम सॉरी, ये सच में गलती से हो गया, मैंने नहीं किया। इसके बाद जीवन कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। एंड आफ्टर दैट हम मिन की ईवल सी स्माइल तो देख ही सकते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाती है। बाद मिन अपने असली गेटअप में आती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो बस ऐसे टाइप की बनी रहती है बिकॉज उसे अटेंशन पसंद नहीं है। शायद उसके पास में भी बहुत अच्छा कुछ हो चुका है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें दोबारा से फॉलो उसकी ज़िंदगी में। आफ्टर दैट वो मिंजे से बात करती है, तभी मिंजे उसे देख कर सरप्राइज होती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। पर मिन थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, बात बताओ। यहाँ पर मुझे बता दी कि थैंक यू यार, तुमने मेरी इतनी सारी हेल्प की एंड मैं तुमसे एक और फेवर चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मैथ्स सिखा सकती हो, मैं मैथ्स में वीक हूँ एंड मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, तुम तो वैसे भी पढ़ाई में ज़्यादा होशियार हो एंड प्लीज़ मुझे मैथ्स सिखा दो। तभी मिन कहती है कि सच में तुम्हारी ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। इसके बाद मिन कहती है कि हाँ, मेरी भी कई सारी कंडीशन है, वो उसे फटाफट बता देती है। बाद मिनजे उसे ये भी कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे जैसा कूल टाइप बनना है, मुझे सबसे बात नहीं करनी आती बट मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। कहती है कि ठीक है, तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों की बात छुप छुप कर सुन रहा था। आई थिंक आगे जाकर सारी फसाद की जड़ यही बनने वाला है और ये सारी बातें सुनकर वहाँ से रफा दफा हो जाता है। आफ्टर दैट ये दोनों जा रही होती हैं हाथों में हाथ पकड़ कर, तो अच्छी फ्रेंड बनी गई हैं एंड मिन भी समझ गई है कि मिंजे दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वो सभी को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये दोनों जा रही होती हैं, तभी इन्हें सामने जून एंड उसकी शायद एक्स गर्लफ्रेंड वो दिखती है। यहाँ पर वो जून पर गुस्सा हो रही थी कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम कभी भी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाते। तभी जून कहता है कि एक मिनट, मैंने तो कभी तुमसे हाँ बोला ही नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हुई। इसके बाद वो जून का फ़ोन लेकर दूर फेंक देती है, उसका फ़ोन टूट जाता है। अगर ऐसा मेरे साथ होता ना पक्का, तो सच में मैं इस लड़की का गला दबा देती हूँ। यहाँ पर जून का नो रिएक्शन रहता है, ऐसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, अमीरों की आते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता। मैं जो उसका फोन उठा लेती है, मैं फोर्स करती है कि जाओ उसका फोन देकर आओ, मुझे तो दिखना ही नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। इसके बाद जब वो जून के पास जाती है तो उसे फोन दे देती है। तभी जून कहता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। तभी मुझे कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना सीरियसली एंड मैं किसी को नहीं बताऊंगी सच में। तभी जून कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो मिंजे से ये भी कहता है कि जैसा तुमने सुना ना वैसा है भी नहीं। इसके बाद मिंजे कहती है कि इसने मुझे एक्सप्लेनेशन दी, मतलब कुछ चक्कर तो है। इसके बाद मिंजे मिन के साथ पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देती है। मैंने उसे बताती भी है कि तुम ना इन लड़कियों से दूर रहा करो, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी सच में फ्रेंड है भी। शायद मुझे लगता है कि एक दिन तुम्हें इन सभी की पीठ देखने को मिलेगी जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें बहुत ही बड़ा धोखा मिलेगा। तो ये मिंजे को उसकी डीपली ये बातें समझ में नहीं आती है और कहती है कि हाँ, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा बट तुम्हारी बातों में दम तो है।
इसके बाद मिंजे सुबह सुबह वॉक पर निकलती है और साथ में जून भी निकलता है। इसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो साथ में छुप जाते हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों का छुपना तो मेरे समझ में नहीं आता। इसके बाद ये दोनों थोड़ी टाइम तक वेट करते हैं, फिर एक साथ में निकलते हैं। यहाँ पर मिंजे जून को हेलो बोलती है, तभी जून उसे इग्नोर करता है पहले तो, बट फिर भी कह देता है कि हेलो। इसके बाद वो भाग कर मिंजे के पास आता है और कहता है कि तुम रात वाली बात किसी को भी मत बताना। तभी मिंजे कहती है कि हाँ वो किसी को भी नहीं बताएगी। इसके बाद जून कहता है कि वैसे मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करता, मुझे किसी से नो कहने में काफ़ी दिक्कत होती है। तभी मिंजे कहती है कि तुम्हारे साथ भी यही, मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। क्या उसके कानों में एयरपॉड दिखती है और कहती है कि तुम 24 घंटे यही सुनते हो। तभी उसका कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद वो कहती है कि एक मिनट, जब मैंने तुम्हें पहले दिन हाय बोला था, मतलब कि तुम अभी भी मेरी बात नहीं सुन रहे, उस टाइम भी तुमने मुझे इग्नोर किया था बिकॉज तुम सुन ही नहीं रहते। तभी यहाँ पर जून कहता है कि हाँ मैंने सुना नहीं था। अभी मिंजे कहती है कि क्यों। तभी वो कहता है कि जब तुम पहले दिन आई थी तो अपना मुंह ऐसे बना कर घूम रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी लगी मुझे, एंड तुम सॉरी भी बहुत ही रूड तरीके से बोल रही थी, मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लड़की हो। यहाँ पर मिंजे कहती है कि क्या तुम्हें मैं स्कैरी लगी। तभी जून कहता है कि हाँ इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। इसके बाद मिंजे कहती है कि चलो ठीक है, अब तो हम बात कर सकते हैं, अभी हम थोड़ी थोड़ी क्लोज तो आ ही गए हैं। इसके बाद ये सभी पीटी ग्राउंड पर जाते हैं। यहाँ पर मिंजे की सारी फ्रेंड उसके शूज़ के बारे में पूछती है कि ये तुमने कहाँ से लिए, इनका प्राइस क्या है, कौन सा ब्रांड है, बहुत कुछ पूछने लगती है, बट मिंजे का मुंह तो खुलता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने उसे दूर से देख रही थी कि इस पागल को कुछ भी बोलना नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर वो सभी चुप हो जाते हैं एंड सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन जाती है। हैजून उसके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उन सभी को कन्फ्रंट कर सके, बट इतने में जून वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मिंजे देखो हम दोनों के शूज़ एकदम सेम हैं। इतने में ही संगसू वहाँ पर आ जाता है एंड उसका तो काम ही इन दोनों को चढ़ाना। वो कहता है कि हाँ तुम दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे बिकॉज सेम शूज़ एंड सेम शकल भी बनाई रखी है। बाद हम कुछ लड़की को देखते हैं जो कि एक आर्टिकल पढ़ रही थी एंड इस आर्टिकल के बारे में बहुत सारी अफवाहें स्कूल में फैलने लगी थी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।